हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सबकी। बैंकिंग के साथ साथ आप पैसे से सीजीएल का भी एक बहुत ह्यूज वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है सबके पास आ चुका है। ऐसे में इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और देखिए, इंग्लिश में अगर हम ग्रामर की बात करें तो जो है बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, काम हमें उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी मैं आपको कुछ रूल्स ग्रामर के वो सारी चीज़ें कवर करा रही थी। अभी मैं आपको कुछ एरर्स के थ्रू आपको रूल्स बताऊंगी टॉपिक वाइज, ठीक है? ताकि हमें थोड़ा थोड़ा जिनकी जैसे इंग्लिश वीक है या जिन्हें लगता है कि एक साथ वो नहीं समझ पाते हैं कि ये रूल कौन से वाले चैप्टर का है, तो हम चैप्टर वाइज लगाएंगे। उससे आपका चैप्टर वाइज रिविजन भी हो जाएगा और चैप्टर वाइज आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें रूल्स इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने टॉप 100 रूल्स की एक पार्ट शेयर कर दिया। 2-3 दिन के अंदर आपको सारे पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। आप अगर ग्रामर में वीक हैं, आप ग्रामर पढ़ना कहीं से भी चाहते हैं, आप उन 100 रूल्स को पढ़ लीजिए, आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 100 रूल्स आपको उससे पता चल जाएंगे। बाकी बच्चों को जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं उससे कोरिलेट है, हमने उसमें नहीं पढ़ा लेकिन कोरिलेट है, वो अपने नोट में ऐड करते जाइए। ये कुछ तरीके होते हैं प्रिपरेशन करने के, नोट्स में अपना एड ऑन करते हैं, ठीक है? अच्छा, वो मैंने एक ग्रुप जो बैंकिंग वाला बनाया हुआ टेलीग्राम पे, जो लोग कह रहे थे पीडीएफ भी चाहिए जिन्हें 100 वाले रूल्स की, वो मैंने शेयर कर दी एक पार्ट। तो जैसे जैसे वीडियोस आएंगे मैं उस पर शेयर कर दूंगी। तो चलिए, पहला जो आज चैप्टर है हमारा वो है टॉपिक है सेंटेंस एंड क्लॉज। सेंटेंस क्लॉज के एरर और उनसे रिलेटेड रूल्स क्या कहते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, पहला सेंटेंस हमारे सामने, ठीक है? ओके है सब कुछ, ठीक है? फर्स्ट रूल है हमारे सामने, मतलब एरर जो है वो हमें दे रखा है। ही सेड दैट द बॉयज कम्स एंड दे स्टार्टेड टू ब्रेक द फर्नीचर। देखिए, अगर हम पूरे सेंटेंस के अलग अलग क्लॉज को देखेंगे, क्लॉज क्या होता है? देखिए, अगर एक सेंटेंस जितने भी पार्ट में डिवाइडेड है उसमें जितनी वर्ब होंगी उतने क्लॉज होंगे। देखो, एक वर्ब ये रही सेड, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, ये सारे इसके क्लॉज कहलाएंगे। अगर एक सेंटेंस का कोई क्लॉज स्टार्टिंग का अगर पास्ट में है तो ऑब्वियसली बात है वो सेंटेंस पास्ट का हुआ ना, कि ही सेड। हमने देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करना सीखा था तो एक चीज सीखी थी ना, अगर इसमें जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते थे, ठीक है? तो ये अगर पास्ट में है तो यहाँ भी दैट के बाद वाला पार्ट भी पास्ट में होगा, तो यहाँ कम्स नहीं आएगा, केम आएगा। और अगर हम इन सब चीजों को अवॉइड करके सीधा देखें कि अगर एक पार्ट पास्ट में है, ये वाला भी पूरी बात जो है वो पास्ट में की जा रही, तो एक ही सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो सभी सारे क्लॉज पास्ट में होंगे ना, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा कम्स ना आके केम, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड, ही विल टेल यू हाउ वन मैनेजेस टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड चेंज वंस डेस्टिनी। ठीक है, ही विल टेल यू, वह तुम्हें बताएगा हाउ वन मैनेजेस, कैसे एक इंसान मैनेज करता है कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और देखिए, बात हो रही हैबिट्स की, और जब कोई डेफिनेट चीज की बात होती है कि वह बताएगा कि किस तरीके से स्ट्रगल करता है, वह किस तरीके से ऑफिस जाता है, वह कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है, तो ये सब चीजें प्रेजेंट इंडेफिनेट की होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ये वही वाली चीज आ गई भाई, फ्यूचर, और अगर प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा है तो वो तुम्हें बताएगा, क्या बताएगा कि वह कैसे अपनी कंट्रोल करता है और कैसे अपनी डेस्टिनी वंस मतलब चेंज की उस चेंज करता है अपनी डेस्टिनी। तो यहाँ पे चेंजेस आएगा ना कि वन ईयर ना, हाँ तो चेंजेस आएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे यस ये वाला क्लॉज पास्ट में नहीं हो सकता। जैसे पिछला वाला प्रेजेंट में नहीं हो सकता था क्योंकि पहला और तीसरा पास्ट में था, तो इसमें यहाँ से जो बात हो रही है वो उसकी हैबिट्स और डेफिनिटी की बात हो रही है कि उसने किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके से वो डेस्टिनी को करता है, ठीक है ना? वंस डेस्टिनी अपनी डेस्टिनी बनाता है, तो बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है, यहाँ चेंजेस आ जाएंगे। अगला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट हाउ गॉड हेल्प्स द पुअर। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है जानना कि दैट गॉड वो गॉड हेल्प्स द पुअर, कैसे मदद करता है भगवान पुअर की। तो देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट और हाउ, दो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है। जब हमें एक क्लॉज और दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है हाउ व्हाट व्हाई, फिर हमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन या विच रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है, वही क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो यहाँ पे दैट
सुपर क्लॉज है, यानी यहाँ पे नहीं आना है, केवल कनेक्टर का काम हाउ कर लेगा। तो ये है इसका एरर। तो समझ में आ गया, जब हाउ और यानी कि यहाँ पे देखो हाउ केवल कनेक्ट करने के लिए तो किया गया है, कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, दो रिलेटिव प्रोनाउन को लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो हाउ व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टर बना देते हैं अलग से, दैट इफ वेदर लगाने की जरूरत नहीं होती है जहां पे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें। चलिए भाई अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वन डे सुरेश आस्क्ड टू हिज प्यून, सुरेश आ वो सुरेश आस्क्ड टू हिज प्यून व्हाई ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस एंड नॉट डूइंग हिज ओन वर्क। ठीक है, तो क्या है, वन डे सुरेश आस्क्ड टू व्हाई वाज टॉकिंग नॉनसेंस एंड नॉट डूइंग हिज ओन वर्क। चलो भाई इसमें देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे देखो क्या आएगा, वन डे सुरेश आस्क्ड हिज प्यून व्हाई ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस एंड नॉट डूइंग हिज ओन वर्क। ठीक है, आस्क के बाद हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आ जाएगा, वन डे सुरेश आस्क्ड हिज प्यून व्हाई ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस एंड नॉट डूइंग हिज ओन वर्क। यानी कि आस्क के सेट के बाद टू लगता है ना, लेकिन जब हम सेट टू को चेंज कर देते हैं तो टोल्ड में चेंज हो जाता है ना, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट टू जो है वो आस्क में चेंज हो जाता है, और आस्क में चेंज होने के बाद फिर उसमें टू का यूज नहीं होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला, ही टॉट मी इन द क्लास दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द अर्थ यूज टू राउंड द सन। भाई मैंने क्लास में पढ़ाया कि यहाँ पे देखिए ही टॉट इन द, यहाँ पे आप सोचोगे ये पास्ट का है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज हो और एक पहला क्लॉज पास्ट में हो और अगला प्रेजेंट में हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब दूसरा वाला जो प्रेजेंट में है वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ में अगर आपसे कोई बोल रहा है उसने कहा अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, या अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो देखिए उसने कहा पृथ्वी घूमती थी, ये तो नहीं होगा ना, अर्थ रिवॉल्व्स ये अराउंड द सन, ये हमेशा रहेगा, चाहे उसने पास्ट में बताया हो, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, दिस इज कन्फर्म, ये कन्फर्म है कि हमेशा, तो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे ये तो सही है, राइजेस इन द ईस्ट एंड द अर्थ यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब पता है पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए होता है, पॉसिबल ही नहीं है। राउंड्स द सन, यूज्ड टू नहीं आएगा यहाँ पे, यूज्ड टू बिल्कुल गलत है, तो राउंड्स द सन क्योंकि बात हो रही है यूनिवर्सल ट्रुथ की, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। अगला, आस्क हिम इफ ही इज गोइंग विद मी और नॉट। ध्यान रखिएगा अगर और का यूज हो जाए, जैसे आपको कोई दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें से एक की बात की जा रही है, यानी और लग रहा है, तो वहां पे फिर पहला वाला जो कंजंक्शन होगा ना, इफ कभी नहीं होगा, कॉम्बिनेशन इफ और का होता ही नहीं है, वेदर और का होता है। तो ध्यान रखना जब आपका और आ जाए, और का मतलब दो में से एक के सिलेक्शन होता है ना, विच वन इज सिलेक्टेड, तो वहां पे इफ के जगह पे वेदर आएगा। नेक्स्ट, हु सेड दैट देयर आर मेनी पीपल हु वर रियली डूइंग सोशल वर्क। तो हु सेड दैट, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही होगा, देखो हु सेड दैट, अब यहाँ पे सेड पास्ट है ना, और ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। There were many people who were really, यहाँ भी देखो past है, यहाँ भी past है, तो ये present कैसे होगा, ये भी तो past होगा ना, बस पीछे समझा दिया मैंने आपको। अगला, Someone told me he had completed his work in time and he will always help the poor। देखिए यहाँ भी एक चीज समझिए, Someone told me past, he had completed past, तो अब यहाँ future कैसे आ जाएगा, हमें पता है जब इधर पहला clause past में होता है, ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से चेंज करते समय हमने ये वाले रूल्स पढ़े थे। ठीक है, चलो जिन्होंने अगर ना पढ़ा हो नरेशन और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, तो ध्यान रखिए अगर एक उसमें दो क्लॉज हैं और पहला और दूसरा दोनों पास्ट हैं, तो फ्यूचर में नहीं विल वुड में चेंज हो जाता है पास्ट के लिए, यानी वुड का यूज विल के पास्ट फॉर्म में किया जाता है, और इसमें पास्ट फॉर्म आएगी तो विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ही ऑलवेज स्पीक दैट, सॉरी वी ऑलवेज, ही नहीं वी, we always speak that future plans are very simple and would give us right direction। यहाँ पे देखिए
वी ऑलवेज स्पीक, हम हमेशा बोलते हैं, अब बात प्रेजेंट की हो रही है, हम हमेशा बोलते हैं दैट फ्यूचर प्लान्स आर, यहाँ भी प्रेजेंट की हो रही है। अब प्रेजेंट के साथ आप पास्ट की बात नहीं करोगे क्योंकि विल का ही तो वुड पास्ट फॉर्म होती है ना, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विल आ जाए। तो समझ में आया कहाँ विल आएगा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आएगा, पास्ट के साथ पास्ट आएगा और विल का वुड हो जाएगा, वहां वुड होगा तो विल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला, He does not know that he will come or not. फिर से वही चीज आ गई, that relative pronoun नहीं आएगा, और का combination whether के साथ होता है। ठीक है, तो he does not know whether he will come or not. अगर आपको एक option दिया जाए तो relative या conjunction बोल सकते हो, whether लगेगा। ठीक है, You must remember one thing that you should listen what others say. देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, लिसन जो होता है ना, लिसन के साथ एक प्रेपोजिशन आती है, तो मैं सुन, लिसन के साथ टू आता है, ठीक है ना, तो दैट यू शुड लिसन टू, तो मैं सुनना चाहूंगी, तो लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो लिसन टू व्हाट अदर्स से। ठीक है, चलिए अगला, देयर वॉज नो क्लियर स्टेटमेंट दैट व्हाट वी शुड डू इन सच सर्कमस्टांसेस, तो देयर वॉज नो क्लियर स्टेटमेंट दैट, देखो यहाँ भी वही हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था, दो कंजंक्शन, दो रिलेटिव प्रोनाउंस, दो कनेक्टर की जरूरत नहीं होती है। वॉट यहाँ पे सिर्फ कनेक्टर का काम कर रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क तो बनाया नहीं, जब कनेक्टर का काम कर रहा है तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा, केवल वॉट का यूज हो जाएगा, और इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगला, इन दिस वर्ल्ड एवरी वन वॉन्ट्स दैट ही शुड बी हेल्प इन एनी वे that he should be, अच्छा ठीक है, in this world everyone wants, इस दुनिया में सब चाहते हैं that he should be, would be के बाद जब भी main verb आती है उसकी third form आती है, और third form helped होगी ना कि help होगी, तो इसमें helped आए। ठीक है, easy सा है, simple। अगला, he explained before the meeting why he takes such a decision and how he suffered alone। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ही एक्सप्लेन बिफोर द मीटिंग, उसने मीटिंग से पहले एक्सप्लेन किया व्हाई ही टेक्स सच अ डिसीजन। तो देखिए मीटिंग से पहले किया ना, तो मीटिंग से पहले किया तो पास्ट की बात होगी ना, व्हाई टू सिंपल होगा ना, टेक्स क्यों होगा भाई, मीटिंग से पहले की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ पास्ट की बात होगी, टू काय। ठीक है, नोबडी ट्राइड टू नो हु ही वॉज एंड व्हाई डिड ही डू सो। आप देखिए भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ फिर से वही आ जाएगा, एंड वाई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाई केवल कनेक्टर का काम कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे अगर कनेक्टर का काम कर रहा है तो यहाँ पे पहले वही आएगा ही, और डिड ना आके सिंपल लग जाएगा, यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी मेन वर्ब की, वाई ही डिड सो, उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो वाई ही डिड, डिड किसके लिए आया, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए, यानी हेल्पिंग वर्ब की यहाँ जरूरत ही नहीं है, वाई ही डिड सो। अगर आप पीछे और सेंटेंसेस को देखोगे जहां भी कनेक्टर का काम हुआ है वहां पर डायरेक्ट हमने क्या लगाया है, सब्जेक्ट, और उसके बाद जैसे भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है वही यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला, पीपल इन्वेंटेड टू वॉट दे नीडेड टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू कोई मतलब नहीं है, पीपल इन्वेंटेड वॉट दे नीडेड टाइम टू टाइम, लोगों ने इन्वेंट किया जो भी उन्हें समय टाइम टाइम पे जरूरत पड़ी, टू का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल गलत है भाई, टू भी व्हाट भी कोई मतलब ही नहीं बनता। आई वॉज वेटिंग एंड वॉन्टेड टू नो इफ आई शुड स्टार्ट टू राइट और नॉट, वही सेम प्रॉब्लम, और वाला है ना, तो और के साथ वेदर लगता है, तीन क्वेश्चन आ गए इसमें वेदर वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाई यू टोल्ड ए लाई दैट यू वर नॉट इन्वॉल्व इन दैट क्राइम विद योर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे Why किसके लिए लगा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है ना भाई, हाउ आर यू, वाई आर यू, ऐसे वाई यू बोले कुछ भी हम बोलते हैं, तो यहाँ पे वाई जो लगा हुआ है वो क्वेश्चन वर्ड और सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा है, तो हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है मेन वर्ब, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, पहले आएगा वाई, पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट इंडेफिनेट का, तो वाई डिड यू, वाई डिड यू, और फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, तो वाई डिड यू टेल ए लाई। समझ में आया, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे,
क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। और लास्ट इस सेशन का सवाल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट वी वुड नो ही वुड कम एंड हेल्प अस। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू से दैट ही वुड कम एंड हेल्प अस। तो वुड में ही वही है इसमें भाई, पास थोड़ना है, वो इज है ना, तो विल आए वुड। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर वुड एंड विल, हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ हो जाते हैं आपके ये 20 एरर्स। किसी तरीके से अगर आप बस 100 रूल्स की वीडियोस देख लीजिए, जो वीडियोस हैं चारों, अभी एक आई है, पढ़ जाएंगी और भी चैनल पे, उसके बाद आप केवल रूल्स से प्रैक्टिस करिए, लेकिन डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए। आपको कुछ नया लगता है जो उन 100 में नहीं है, वो अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। और बस जब जब आप उस कॉपी को नोट खोलेंगे तो आपके माइंड में वो रूल्स या चीजें जो होती हैं वो एकदम कनेक्ट होने लगती हैं, ठीक है। पढ़ने के अच्छे तरीके बनाइए, क्योंकि एक होता है पढ़ना स्मार्ट और हार्ड वर्क, सबको पता है ना। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो बेहतर कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा डाउन बोलने में लग रही होंगी क्योंकि मैंने बस पढ़ाया है ये, मैं जानती हूँ कैसे, क्योंकि मुझे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत डाउन मैंने बोला है इस वाले पूरे सेशन में। उम्मीद करती हूँ फिर भी आपको समझ आया होगा और आप सब पसंद करेंगे हर वीडियो की तरह। चलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।